हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। गाइस, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा माफ़ी। और गाइस, वीडियोस को पूरा देखिए, प्यार दीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं वीडियोस लाता रहूँ आप लोगों के लिए। और आज का जो कंटेंट है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अलॉय व्हील वर्सेस स्पोक, जो कि मेरा पर्सनल खुद का ओपिनियन है। मैं वो आप लोगों को बारे में इसके बारे में बताऊंगा, अलॉयज बेटर हैं या स्पोक्स, जो कि मेरा पर्सनल रिव्यू है। दोनों के बारे में बात करेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, दोनों चीज, दोनों के, स्पोक्स के भी और अलॉयज। तो बात करते हैं पहले एडवांटेजेस की, फिर डिसएडवांटेजेस की करेंगे। तो पहले एडवांटेजेस पे आ जाते हैं हम अलॉयज में। तो पहले अलॉयज को देखते हैं कि वो बनते कैसे हैं। अलॉयज बनते कैसे हैं गाइस, सबको पता होगा, डाईकास्ट और मेटल के मिश्रण से, काफ़ी सारे मेटल्स के मिश्रण से अलॉयज को बनाया जाता है, एक शेप में ढाला जाता है, और वो अच्छे, और वो रोड पर अच्छी हायर स्पीड्स में भी अच्छी स्टेबिलिटी दे पाते हैं। इसीलिए अलॉयज जो हैं आपको ज़्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में देखने को मिलते हैं, और काफ़ी सारी रेसिंग बाइक्स में भी अलॉयज ही यूज़ होते हैं आजकल, तो सभी बाइकों में आ रहे हैं अलॉयज। तो अलॉयज का यही है सिर्फ कि उनकी स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसी वजह से वो आपको स्पोर्ट्स बाइक में देखने को मिलते हैं। अब वहीं बात करते हैं स्पोक्स की। तो स्पोक्स की इतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं होती है रोड के ऊपर, हायर स्पीड्स पे तो बिल्कुल ही नहीं, और वो भारी वजन झेल जाते हैं, इसी वजह से वो हमें मिलते हैं ऑफ रोडिंग बाइक्स एंड भारी हैवी बाइक्स पे, भारी बाइक्स में। तो इसीलिए स्पोक्स अलॉयज इनसे बेटर हैं इस कंपैरिजन में, इस मामले में। तो गाइज, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी बाइक पे अलॉयज क्यों नहीं लगवा रहे। तो गाइज, जो मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, जिसकी जिसके पास मैं जाता हूँ, मतलब बाइक का काम वाम कराने, तो उसी से मैंने सजेस्ट किया था कि मैं अलॉय लगवाऊँ या नहीं। तो गाइज, उसने जो है मुझे सजेशन दिया कि अलॉयज मत लगवाओ, क्योंकि गाइज अभी हाल ही फिलहाल में एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें क्या होता हुआ दिखता है कि आप ये वीडियो देखिए थोड़ा सा, कि इसमें देखिए कि ये बाइक का टायर कैसे टूटता है। देखिए थोड़ा सा, दो चार सेकंड में डालता हूँ इस वीडियो के, ध्यान से देखिए। आपने देखा कि कैसे इसका जो अलॉय है वो बीच ही रोड पे टूट गया, और काफी सारे, यही वीडियो नहीं गाइस, काफी सारे केसेस मैंने भी सुने हैं, लद्दाख गए हुए लोग और उनका जो है बीच में से अलॉय जो है क्रैक हो जा रहा है, एंड वो वहीं पे फंस जा रहे हैं, क्योंकि जब आपका टायर ही नहीं चलेगा तो इसीलिए मैंने अभी चेंज करने का डिसीजन जो है वो थोड़ा लेट डिले कर दिया है। हाँ, फ्यूचर में मैं कर सकता हूँ चेंजेस, क्योंकि अब मैं थोड़े दिनों में राइड पे भी जाने वाला हूँ इसी वजह से। तो गाइज, ये मेरा डिसीजन था इसको चेंज करने का, अलॉयज में लगवाने का, क्योंकि काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, बट डिसएडवांटेजेस भी हैं अलॉय के। जैसे अब आपको कई जगह अलॉयज मिल जाते हैं सस्ते, 6600 रुपये, 6800 रुपये, 6000 में भी, तो वो गाइस वो अलॉयज मत लीजिएगा, ब्रांडेड ओरिजिनल ही अलॉयज लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको बेवकूफ़ बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जो कि डाईकास्ट और गंदे, मतलब जो कचरा होता है बाहर के देशों का, उस मेटल से बनाकर आप लोगों को दे देते हैं। उसमें क्या होता है गाइस, टूटने का खतरा रहता है, और स्पीड ब्रेकर पर या कहीं पे भी अच्छे गड्ढे में अगर आपकी बाइक एकदम से जाती है, शॉक मिलता है, उसको झटका मिलता है, तो वो अलॉयज क्रैक होने का डर होता है, जो कि स्पोक्स में नहीं होता गाइस। स्पोक्स में ये खतरा आपको नहीं मिलेगा, स्पोक्स इसीलिए बेस्ट हैं। एंड गाइस, स्पोक्स की एक और खासियत है, जैसे कि आप गड्ढे, जैसे इंडियन रोड की कंडीशंस आप लोगों को सबको ही पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला इंपैक्ट जो हमारे टायर का रोड से होता है किसी भी गड्ढे पे,
तो वो अलॉयज में तो क्या होता है, सीधा शॉकर्स में जाता है, बट स्पोक्स व्हील में पहले वो एब्जॉर्ब, वो जो इम्पैक्ट होता है वो ये एब्जॉर्ब करते हैं स्पोक्स, देन वो शॉकर पर पहुंचता है, तो इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू अलॉयज पे ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़ ये, इनके टूटने के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू अलॉयज, क्योंकि ये प्योर मेटल से बने होते हैं, और बस इनमें एक ही खतरा होता है, जो होता है वो होता है कि इसके जो स्पोक्स की जो तिल्ले बोलते हैं, जिस चीज़ को ये जो स्पोक्स लगे हैं तिल्ले बोलते हैं इन्हें हिंदी में, ये टूट जाते हैं या फिर कहीं से लीक हो जाते, हल्का से ढीले हो जाते हैं, तो वहाँ से हवा लीक करने लगती है टायर की, बस इसमें ये एक डिसएडवांटेजेस हैं। और बाकी पूरा रिम फिर आपको चेंज करना पड़ता है अगर टूट जाते हैं, बाकी मैं खुश हूँ स्पोक्स के साथ। कहीं आप ऑफ रोडिंग के लिए जाएं या कैसे भी, जो कंपनी फिटेड आते हैं वो बेस्ट चीज़ होती है गाइस। तो और अलॉयज में मुझे थोड़ी सी ये भी लगता है कि मॉडिफिकेशन तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन उसका जो कलर है वो थोड़े दिनों में फेड होने लग जाता है अलॉयज में, जैसे गोल्डन कलर आ रहे हैं या कोई भी कलर आ रहा है वो थोड़े दिनों में फेड हो जाता है, एज़ कम्पेयर टू स्पोक्स एकदम ऐसा ही रहता है अगर आप उसे अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं तो। देखिए मैं दिखा, मेरा अलॉय आपको दिख रहा होगा इस टाइम स्क्रीन पे, ये पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील है, मैंने अच्छे से मेंटेन कर रखा है, एक साल हो चुका है बाइक को, टायर भी देखिए आप बिल्कुल नया लग रहा है क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं चलाई है जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया, बट अब मैं ट्रिप्स वगैरह मारने की सोच रहा हूँ गाइस। तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबा दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस आती रहें गाइस। और अब मैं सोच रहा हूँ व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए गाइस, इन्फॉर्मेशन भी है और सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है गाइस। देखिए चैनल को वीडियोज़ को एंड तक, पीछे नीचे प्यारा सा कमेंट कीजिए, अगर कोई भी डाउट है आपको मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ, अगर जिस जितना मुझे नॉलेज है उतना। और गाइस लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा गाइस, एज ऑलवेज मेरी मेहनत आपका प्यार दोनों कर देंगे मिल कर धमाल। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो गाइस, एज ऑलवेज लव यू सो मच गाइस, मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू सो मच।